कहते हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और यह बिल्कुल सटीक बैठती है फिरोजाबाद के इस व्यापारी पर। जी हाँ, आज से लगभग 45 साल पहले लैंप बनाने का कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे इसमें तरक्की मिली। आज इनके यहाँ एलईडी बल्ब बनाने के लिए कई कारीगर भी काम करते हैं और इनका माल देश के अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। वहीं इन्होंने इस काम की शुरुआत 4,000 रुपये से की थी, आज लाखों रुपए के ऑर्डर इन्हें मिल रहे हैं। दया दयाशंकर गुप्ता, काम करते हैं? मेरा फिलहाल अभी फैंसी लाइट, एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरिंग खुद करता हूँ और सप्लाई भी करता हूँ। बताइए कि आपकी इस काम की शुरुआत कैसे हुई, कब से आप ये काम कर रहे हैं और कैसे इसको आपने शुरू किया था? ये स्टार्टिंग मैंने जैसे ही कॉलेज छोड़ा था मैंने 78 में। उसके बाद मैं जो है, मेरा विचार ये था मुझे व्यापार करना है, तो मैंने जो है देखा फैंसी लाइट का, एलईडी लाइट का। तो उसमें एलईडी लाइट तो थी नहीं, कैरोसिन लैम्प उस समय चल रही थी, तो कैरोसिन लैम्प का क्रेज भी था। तो मैंने कैरोसिन लैम्प और लैम्प सेट, इससे अपना थोड़ा थोड़ा मार्केट से सप्लाई करना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में लैम्प सेट मेरा मार्केट से परचेज नहीं करता था और इसको सप्लाई करने के लिए मैंने कलकत्ता मार्केट को चॉइस किया। तो कलकत्ता मार्केट में सप्लाई करते करते धीरे धीरे मैंने देखा कि माल की कुछ पार्टियाँ मेरी जो सेट हो रही हैं, तो मैंने सप्लाई करना मार्केट से जो परचेज हम लोग करते थे वो परचेज नहीं, अब लोग अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करने लगे। मैंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की थी 81 में। 81 में मेरे पास में केवल 2 या 3 स्टाफ थे और मैं खुद अपनी मेहनत से काम करता था और माल को तैयार करके यहाँ से और उसको कलकत्ते में भेजता था। कुछ पार्टियाँ मेरे पास यहाँ भी आ जाती थी, कुछ पार्टियाँ आसाम से आती थी यहाँ पर कलकत्ते में, यहाँ फिरोजाबाद में भी वो यहाँ से भी ले जाती थी। और धीरे धीरे कलकत्ते मैंने अपना इसको बढ़ाना चालू किया, आइटम बढ़ाने चालू किए, फैंसी लाइट की लाइन को धीरे धीरे करके डेवलप करके मैं पूरी तरह फैंसी लाइट में छा गया। और कलकत्ता मार्केट में एक गुडविल मैंने इतनी बढ़िया बनाई कि मेरा नाम से ही अपना काम चलने लगा। कई बार मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आई, कुछ स्टार्टअप पार्टियाँ कुछ ऐसी मिली कि जिनसे मैं व्यापार करते करते पार्टियाँ मेरा पैसा लेके बैठ गई, नहीं वो पैसा दे पाई, न मुझे पेमेंट में दिक्कत आई। यहाँ लोकल के लोगों से, फैक्ट्री वालों से मुझे काफ़ी सहयोग मिला था, उस उनके सहयोग से मैं अपने व्यापार को भली बात चलाते रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। जहाँ तक मेहनत तो खूब करनी पड़ी, मेहनत ही करनी पड़ी मुझे कि जिसको मैं आपको बता नहीं सकता, 24 घंटे में 18-18 घंटे मेहनत करता था बराबर। मेरे को मैंने कैरोसिन लैम्प का भी काम चालू किया, कैरोसिन लैम्प की खुद मैन्युफैक्चरिंग चालू की मैंने। कोट फर्नेस पर काम चलता था, कोट फर्नेस पर हम लोग कोट जब भरवाते थे, जैसे कौन से कलर का माल हमें बनाना है, लेबर हमारी अपनी रहती थी, मशीन हमारी अपनी रहती थी, फैक्ट्री से हम लोग कोट लेते थे कांच का भरा हुआ। तो कोट हमारा जैसे खुलता था मॉर्निंग में 4 बजे 4:30 बजे, 5 बजे हम काम लगवाते थे। 5 बजे में कितनी भी सर्दी हो कितनी गर्मी हो, सुबह 5 बजे कोट फर्नेस पे अपना काम लगवाने के लिए पहुंच जाता था। अपने सामने लेबर से काम लगवाना, पूरा प्रोडक्शन अपने सामने कराना, और भरी गर्मी में जहाँ 42, 44, 45 टेम्परेचर रहता है, उस टेम्परेचर में कोर्ट के सामने खड़े होकर लेबर से अपना काम कराना कि जिससे मेरा कहीं प्रोडक्शन लॉस नहीं हो जाए, प्रोडक्शन मेरा सही होता रहे, माल की क्वालिटी सही बनती रहे, अपने सामने खड़े होकर मैं काम कराता था। और वहाँ से माल प्रोडक्शन करा के कारखाने से अपनी फैक्ट्री में लगाते थे, वहाँ फिनिशिंग होती थी सारी, मिसाई विसाई वगैरह, फिनिशिंग वगैरह, पैकिंग वगैरह, फिर वो माल जो मार्केट में आने के लिए तैयार रहता था। आज आपका माल कितने लोगों से तैयार होता है और कहाँ कहाँ बेचते हैं? आज मेरे लगभग जो है, मेरे अपने स्टाफ में भी करीब एलईडी लाइट का भी काम मैंने जोड़ दिया साथ में। एलईडी लाइट में भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है मेरे पास, कम से कम 150 आइटम की रेंज है। और फैंसी लाइट का भी काम है और अपना कैरोसिन लैम्प का काम अभी थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है, क्योंकि कैरोसिन लैम्प का आज का ज़माना ख़त्म हो गया, अभी कैरोसिन वाला काम जो है वो एलईडी लाइट ने ले लिया है, उस जगह एलईडी लाइट मेरी चल रही है बराबर। और एलईडी लाइट में मेरे पास कम से कम 150 आइटम की रेंज है लगभग। कितने रुपये से कितने रुपये तक का? उसमें आइटम मेरा मिनिमम आइटम जो है 30-40 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 25-30 रुपये तक से स्टार्ट होता है। और वो लगभग जो है कम से कम, इसमें जो बड़ी बड़ी लाइटें मेरे जो लगती हैं वो 1,500-2,000 तक की होती हैं। कितने लोग काम करते हैं?
लगभग जो है 30 लोग के लगभग मेरे पास अभी स्टाफ है यहाँ पर है, और कलकत्ते भी मेरा दो ब्रांच हैं कलकत्ते में, कलकत्ते मेरे पास में करीब 25-30 आदमी का स्टाफ वहाँ पर भी है। कहाँ कहाँ भेजते हैं माल तैयार? मैं मेरा अपना कलकत्ते अपना ब्रांच का काम है, वहाँ मेरे बेटे सप्लाई अपना बैठते हैं, वो मेंटेन करते हैं वहाँ पर, प्लस यहाँ पर मेरे यहाँ जो है लोकल मार्केट इसको मेंटेन करते हैं हम लोग, और बाकी आसपास में जैसे कानपुर है, लखनऊ है, दिल्ली है और हैदराबाद है, वहाँ से भी पार्टियाँ आती हैं, वो माल लेके जाती हैं। कितने रुपए से आपने इसको शुरू किया था और आज कितना टर्नओवर होगा? स्टार्टिंग मैंने केवल अपना अपने हाथ से काम करके 4,000 रुपये से स्टार्ट किया था, ओनली 4,000 रुपये अपने पास से मैंने इकट्ठे किए थे अपना खुद काम करके, और उससे मैंने स्टार्ट किया था। मार्केट वालों का सहयोग मिलता रहा मुझे, फैक्ट्री वालों का सहयोग मिलता रहा, और मैं आज जो है बहुत अच्छे स्तर पर हूँ।